गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोगों का पीजीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। Software is a set of instructions, data or programs used to separate computer and execute specific tasks. मतलब software का मतलब क्या है? Software is a set of instruction. जैसे computer सिर्फ एक box की तरह है, उसका जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, और उसको चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए यूज़र तो इनपुट स्पेसिफाई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसे चलाने के जो प्रोसेस करने के जो इंस्ट्रक्शन जो देता है वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उससे पहले मैं हार्डवेयर का डेफिनेशन में बता देता हूँ व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर व्हिच डिस्क्राइब्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, फिजिकल है, टाइप्स ऑफ फिजिकल है, फिजिकल कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग छू सकते हैं, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बट इसको हम लोग छू नहीं सकते, दिस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वो है जैसे हम लोग MS Word, MS Excel, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम कौन सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, विंडोज 8, दिस आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? हार्डवेयर के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कनेक्ट करना है। ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 8 अगर हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो
समझ गए व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या बोला था मैंने, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, दिस आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एकदम सिंपल है, आप लोगों ने उसको जाना भी है पहले, शायद किसी कोई कोई पढ़ा होगा कोई कोई नहीं, तो एकदम सिंपल है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों को मैंने अभी बता दिया व्हाट इज सॉफ्टवेयर और व्हाट इज हार्डवेयर, तो एकदम ईजी आपके लिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डिफरेंस सिंपल है, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स कंप्यूटर, फिजिकल एलिमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम, ये है हार्डवेयर का फर्स्ट पॉइंट। तो क्या होगा, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये रहा फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का हार्डवेयर का। और सॉफ्टवेयर क्या कहता है, सॉफ्टवेयर का क्या है फर्स्ट वाला, ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट tells the computer how to perform. How to perform? ये रहा आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। हार्डवेयर का क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर में फर्स्ट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। ये रहा आप लोगों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड जो है कंप्यूटर का क्या है, सेकेंड पॉइंट हैज फोर मेन कैटेगरी। हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर का क्या है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस, एंड लास्ट वाला क्या है, इंटरनल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर का फोर मेन कैटेगरी होता है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल
कंपोनेंट्स। ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर का क्या है, टू मेन पार्ट्स होता है, मतलब टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन क्या, जो पर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये रहा आप लोगों का सेकंड डिफरेंस। नाउ हम लोग अब देखेंगे थर्ड डिफरेंस। थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है, व्हेन डैमेज इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ न्यू कंपोनेंट। मतलब अगर मेरा कोई पार्ट्स कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो हम लोग उसे न्यू कंपोनेंट से रिप्लेस करेंगे। मतलब अगर हम लोगों का कीबोर्ड खराब हो गया, सोचो तो हम लोग एक नया कीबोर्ड खरीदेंगे और उस कीबोर्ड से रिप्लेस करेंगे। तो व्हेन डैमेज इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ न्यू कंपोनेंट्स। और सॉफ्टवेयर का क्या होगा, व्हेन डैमेज इट कैन रीइंस्टॉल्ड इंस्टॉल करेंगे यूजिंग ए बैकअप कॉपी। रीइंस्टॉल यूजिंग ए बैकअप कॉपी। व्हेन डैमेज इट कैन बी रीइंस्टॉल्ड यूजिंग ए बैकअप कॉपी। ये रहा आप लोगों का थर्ड डिफरेंस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। ठीक है, और लास्ट जो आएगा लास्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कीबोर्ड माउस हार्ड ड्राइव मदरबोर्ड ये क्या है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का क्या है, एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का व्हाट इज कंप्यूटर। तो उस दिन मैंने बताया था कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये रहा हम लोगों का कीबोर्ड जिसको हम बोलेंगे हार्डवेयर। ठीक है, और आप देखो मेरे कंप्यूटर में
विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर के साथ जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और कंप्यूटर में काम करता है। अगर हम लोगों में ये विंडोज 7 नहीं रहा तो क्या होगा, कंप्यूटर सिर्फ एक बॉक्स की तरह रह जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम लोग डाउनलोड करेंगे तभी कंप्यूटर में हम लोग क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जैसे हम लोगों के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है, वर्ड, मोजिला, विंडोज मीडिया, दिस आर द गूगल क्रोम, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तभी रन करेंगे जब हम लोग कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एक ये सब क्या है, एक कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। समझ गए, थैंक यू।